Namaste, salaam, kasa ka people. What's up? I hope you're doing good. तो आज हम जिधर जा रहे हैं ना उसके लिए ना मेरे को दो लैंग्वेजेस में बात करनी पड़ेगी. एक है हिंदी आणि दुसरी आहे आपली मराठी. कारण त्याच्याशिवाय तिकडे जाऊन जेवणात ती मजाच नाही आहे. तो आय विल कीप स्विचिंग इन लँग्वेजेस. ओके, तो मैं हिंदी तो बोलता हूँ, इंग्लिश तो बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ यार. तो कुछ अलग कर देना, आज थोडा मराठी पण टाकूया त्याच्यात, है ना. म्हणजे असं तुम्हाला व्हेरिएशन मिळत राहील थोडं थोडं. तर आज आपण जिकडे चाललो आहे त्याचं नाव आहे जिव्हाळा. ती जागा कांदिवलीमध्ये आहे. और वहाँ पे ना सबसे बेस्ट महाराष्ट्रीयन फूड मैंने खाया अब तक. और उसके पहले मैंने जहाँ खाया था वो मेरा घर है, अब मेरी माँ का हाथ का खाना. तो उसके जैसा कंपैरिजन में मैंने अब तक कहीं भी नहीं खाया था. और ये इकलौती ऐसी जगह है जो मुझे लगी कि हाँ भाई कि कैसा है, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी है खाना और बहुत ज़्यादा सस्ता है यार. मतलब इतना सस्ता कौन देता है. तो हम देखते हैं यार, वहाँ चलते हैं और देखते हैं खाने में क्या क्या. और चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, वहाँ चलते हैं. अरे बट अभी बोनस तो सुन के जाओ. सिर्फ उतना ही दिखाऊंगा तो मज़ा आएगा नहीं आएगा ना. तो आज है ना हम एक ऐसा बीच एक्सप्लोर करते हैं जो मुंबई में, मेन मुंबई में, और अभी तक बहुत लोगों को पता नहीं है, बहुत लोग गए नहीं है, जबकि वो मुंबई का बहुत ही क्लीन बीच बोल सकता हूँ मैं. और आइसोलेटेड है तो वहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं. तो यू कैन हैव योर पीसफुल टाइम. तो वहाँ भी चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं. तो अभी हम पहुँच गए जगह पे जहाँ पे हमको भर पेट खाना है. आणि माझ्यासोबत माझी मित्रमंडळी आली आहे. हे बघा, आज आहे ना आपला बजेट खूप चांगला आहे. तर एक फोटोग्राफर पण आला आहे आपल्यासोबत. तर सॉर्टेड आहे, खूप काय सॉर्टेड आहे. तसं टाइम वेस्ट नको रे, खूप काय मागूया आणि खाऊया, बस भरपेट खाऊया. कुछ ज़्यादा ही अलग है, मतलब वो नॉर्मल मेरे को
प्लीज और खाओ ये सब मत करो। वैसे तो मैं पूरन पोली का फैन नहीं हूँ बट देखते हैं, चलो ट्राई करते हैं। अच्छा ओके तो ना अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कोकम शरबत। हाँ यार अच्छा इसे आगे हंस मत। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ पीयूष। पीयूष इज बेसिकली अ ड्रिंक मेड ऑफ श्रीखंड, तो देखते हैं कैसा है। इट्स अ डिलाइट, प्योर डिलाइट। मतलब अगर नहीं पी रहे हो ना तुम्हारी लाइफ बेकार है। तब मराठी माणूस प्लीज यानी ये प्या खूब 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 चांगल लिटरली टेस्टिंग रेकमेंडेड ऑब्वियसली रेकमेंडेड। तो जैसा कि आपने देखा खाना बहुत ही ज़्यादा, सच्ची बताओ बहुत ही ज़्यादा अप्रतिम होता, एकदम अप्रतिम होता। म्हणजे जर तुम्हाला मराठी जेवण पाहिजे असेल ना एकदम टिपिकल महाराष्ट्रीयन, तर इथे सोडून तुम्हाला कुठेच नाही मिळणार आहे। द हॉटेल इज गुड, दे आर व्हेरी क्या कैसे बोलूँ, हाइजीन मेंटेन करते हो लोग, खाना बहुत अच्छा है, टेस्टी है, द स्टाफ इज फ्रेंडली, यू टॉक टू देम, दे टेल यू अबाउट एवरीथिंग, द फूड, द डिशेज एंड एवरीथिंग, इवन द पैसा इज लाइक सुपर 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 रीजनेबल। अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो या फैमिली के साथ हो बिंदास जाओ और बिंदास खाओ। मतलब तुम लोगों ने देखा होगा मैंने इतना कुछ मंगाया और तब जाके 800 बिल हुआ और हम लोग इतने जन थे, तब सोच लो पर पर्सन कितना हुआ होगा, लाइक 100-120 पर पर्सन, दैट इज इट। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था ये व्लॉग खाने पे एंड नहीं होगा, अभी हम जा रहे हैं अक्सा बीच। हाँ अक्सा बीच, अभी आधे लोगों को लग रहा होगा ये तो सिर्फ गाने में यूज़ किया था, पता नहीं किधर है। मतलब बहुत लोगों ने मेरे को सिर्फ इतना पूछा कि अक्सा बीच है किधर, लाइक लिटरली एक्चुअल में वो इन्फिनिटी मॉल के पीछे है, इन्फिनिटी मॉल टू मलाड के पीछे, बट वहाँ पे जाने का रास्ता इस थोड़ा घूम के, तो वहाँ चलते और देखते हैं कि वहाँ का नज़ारा कैसे है। तो चले like this video, give it a big thumbs up and subscribe if you still haven't. I keep posting dance videos and vlogs almost every week. I'll see you in the next video. Until then, keep dancing, keep rocking.